नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यंग फार्मर में। किसान भाइयों, देख सकते हैं आप भिंडी का खेत और इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। वहाँ पर अंकल जी तोड़ रहे हैं, ये देखिए आप, और काफ़ी अच्छा उत्पादन निकल रहा है अभी भिंडी का। मार्केट में ले जाएंगे, आज शनिवार का बाज़ार लगता है हमारे यहाँ। ये देख सकते हैं आप भिंडी की साइज़ भी, काफ़ी अच्छी भिंडी बन रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आधे खेत से भी आधे खेत की तोड़ाई हुई है भिंडी की। ये साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी साइज़ भिंडी ने ली है और फूल भी आ रहे हैं। मई में इसकी बुआई की थी हमने, और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा उत्पादन निकल रहा है। किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है इसमें। ये देखिए फसल देख के बिल्कुल एक नंबर लग रहा है मन में। ये एक बोरी तो हमने यहाँ से निकाल ली, देख सकते हैं आप। साइज में आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी साइज है इसकी, और आज मार्केट में ले जाएंगे इसको। अगर आपने भी इसकी बुआई की है तो कमेंट कर जरूर बताएं। ये देखिए मैं आपको पूरा खेत दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आधे बीघा से भी आधे बीघा में हमने इसकी बुआई की है। और अभी इसकी तुड़ाई चल रही है, एक नंबर। किसान भाइयों, आप किस किस फसल की बुआई करते हैं, सब्जी वगैरह की बुआई करते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट कर कर बताएं। और ये अभी यहाँ से यहाँ तक की तुड़ाई हो चुकी है, ये देखिए अब इसमें वापस भिंडी बनने लग गई है, फूल भी आ रहे हैं। बारिश में इससे रूटीन चलता रहता है। सोयाबीन की फसल भी बढ़िया है इस बार। अगर आपको इस पर पूरी विस्तृत वीडियो चाहिए, किस तरह इसकी बुआई करना है, किस तरह क्या करना है, तो ज़रूर बताएं कमेंट कर कर। ये देख सकते हैं हमने खरपतवार भी नियंत्रण कर रखा है, खेत भी बिल्कुल साफ है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए खेत भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। आप फूल वगैरह देख सकते हैं, ये देखिए सब फूल भी आ रहे हैं। और ये इधर हमारी गिलकी है, गिलकी भी तुड़ाई हो रही है, काफ़ी अच्छी फसल है इसमें। ये पीले पत्ते हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्पादन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बाकी बढ़िया है। इन्होंने यहाँ अपने आप को जकड़ लिया है, देख सकते हैं गिलकी बन रही है। तो किसान भाइयों, खेती किसानी की ऐसी नई नई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।